गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम प्लान कर रहे हैं एक नया हेलमेट परचेज करने के लिए, तो उसी के लिए करोलबाग जा रहे हैं। तो अभी हम जस्ट अपने एक भाई हैं, उनके साथ निकलने का प्लान कर रहे हैं। तो आज मोटो ब्लॉग नहीं करेंगे, डायरेक्ट करोलबाग चलते हैं और वहीं पर आप सबको दिखा। का बिल बिल बना दे और पैक करवा दे। बिल आप दुकान से ले लो, ऐसा मत करिए, रास्ते में हेलमेट रह जाए और हम घर पहुंच जाएं। तो भाई ये एक लोकेशन थी करोलबाग के अंदर। आज हम एक नया हेलमेट परचेज करके लेके आए हैं करोलबाग से, और ये है एक्सोर का हेलमेट, आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स के ऊपर। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाते हैं, क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो पा रहा है इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें अभी अपना GoPro का भी सेटअप रेडी करना है। तो उसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स को मैंने जस्ट अभी ओपन कर ही लिया है, इसमें से निकालते हैं हेलमेट। तो ये बैग के अंदर है हेलमेट, और काफ़ी प्यारा बैग है। इसके ऊपर अपना एक्सोर की ब्रांडिंग भी है। तो इसके अंदर से हेलमेट निकालते हैं। तो ये हेलमेट हमारा सामने आ गया है, ये है एक्सोर का हंटर हेलमेट, और बाकी सारी मॉडल नंबर वगैरह डिटेल वगैरह बॉक्स के ऊपर दी हुई है। इसका मैन्युफैक्चरिंग है 16 मार्च 2021, और प्राइस है इसका बॉक्स के ऊपर 4994 रुपीज़। तो अभी मैं आपको इसका प्राइस शेयर करूँगा, मुझे ये कितने में पड़ा। तो पहले हम हेलमेट को चेकआउट कर लेते हैं। तो इस हेलमेट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो सब बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हेलमेट के अंदर आपको डुअल वाइज़र मिलते हैं। एक अपना वाइज़र है जो सनलाइट के लिए है, सनवाइज़र भी कहते हैं। इधर एक पुश बटन है, जब भी आपको सन टाइम ट्रैवलिंग करते हैं उस ड्यूरिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी वाइज़र के अंदर एक और ऑप्शन है जिसके अंदर लगा हुआ है एंटी फॉग वाइज़र, जो बारिश के अंदर या फिर फोगी सीज़न के अंदर, विंटर के अंदर फोग वगैरह होता है, तो वो फोग इसके अंदर नहीं जमेगा। बाकी ग्राफिक्स की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है और ग्लोस फिनिश में है। आपकी जो ग्राफिक्स हैं वो ज़बरदस्त है, इसका लुक भी काफ़ी अल्टीमेट लुक है हेलमेट का। बैक साइड से इसका व्यू, साइड से इसका व्यू, वेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये टर्बाइन ऑप्शन है इसमें, जो बटन है, बटन को हम अप करेंगे तो इधर से फ्रंट साइड से एयर इनलेट होगा, जो कि इसके टॉप हेड से एयर इनलेट होगा, और बैक साइड में इसमें फिन्स भी दी हुई है जहाँ से आपका एयर एग्जॉस्ट होगा। तो गर्मी लगने का तो कोई चांस ही नहीं है। यूज़ नहीं है तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। और इसकी कंप्लीट पैडिंग जो है रिमूवेबल पैडिंग है कंप्लीट, और इसके अंदर जो लॉक सिस्टम है, एक्चुअली मुझे इसका नेम तो कंफर्म नहीं है लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट है, मेरे एक फ्रेंड ने बताया था जस्ट। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको इसमें से मूवमेंट कराना है। फर्स्ट इसका फ्रंट वाइज़र का जो है इसका फिल्म रिमूव करता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं जस्ट वीडियो का ही वेट कर रहा था कि जल्दी से वीडियो बनाऊँ और इसको रिमूव करूँ। तो जल्दी से इसको हटा लेते हैं, जो इसको हटाने की फीलिंग आती है ना, अल्टीमेट फीलिंग आती है, बहुत ही प्यार से हटती है, देखो बिल्कुल सॉफ्ट।
बिल्कुल स्मूथली रिमूव हो गया। इसको साइड रख देते हैं। तो ये आपका वाइजर इसमें आपको दिखाई दे ही रहा है, लगा हुआ है। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं जब आपका नेसेसरी नहीं है, एंटी फॉग वाइजर को आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। इसमें लॉक सिस्टम दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो अपना एंटी फॉग वाइजर लगा हुआ है उसके नीचे भी एक फिल्म लगी हुई है, उसको भी रिमूव कर लेते हैं। ये फिल्म लगी हुई है इसके नीचे। येलो कलर की एक फिल्म लगी हुई थी इसमें, वो हमने हटा ली है। अब ये बिल्कुल क्लियर वाइजर दिखाई दे रहा है, देखिए। इसके अंदर अभी मैं एक ट्रायल भी ले लेता हूँ कि इसमें फॉग जमती है नहीं जमती, जस्ट इसको ट्राई करके देखते हैं। अब मैं इस वाइजर को बंद कर लूँगा, कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके कॉर्नर के ऊपर इसमें फोक जम रही है दोनों साइड, लेकिन इधर फ्रंट के अंदर जो अपना एंटी फोक वाइजर लगा हुआ है वहाँ फोक नहीं जम रही। दोबारा ट्राई करते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये इसका एंटी फोक वाइजर का बेनिफिट है और काफ़ी कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कि आपको थोड़ा हैवी लग रहा हो। चलो इसको निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा जब हम हेलमेट को पहनते हैं तो थोड़ा सा इशू होता है, हल्का सा टाइट करता है पहनते समय, सिर्फ जब हम जिसको सिर्फ सिर के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन जब कंप्लीट हम इसको पहन लेते हैं जब इसमें कोई भी इशू नहीं आता, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। बाकी काफ़ी प्रीमियम हेलमेट है एक्सोर का, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, कलर भी काफ़ी अच्छा है और अपना मैचिंग का है बाइक के साथ, काफ़ी सेट रहेगा, अच्छा लगेगा। एक पॉइंट और बताना था आपको, इसका जो वेट है अप्रोक्स 1500 मींस 1.5 kg है। मतलब आप अच्छा हेलमेट ले रहे हैं तो उसमें बेसिक है कि वो इतनी चीज़ें होंगी। और इसका एक यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये डोट और ECE सर्टिफाइड है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय।